मैं क्योगी वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी क्योगी पाए आज उस विषय में आ रहा है कि हम लोग कोवर मिला है 14 जुलाई 2022 ये महीना आज एक सप्ताह हो रहा है। ये ऑनरेबल एमएलए लोकम तसर का रेप केस जिसे ये ना हम लोग का फैमिली एक सोसाइटी के फैमिली मेंबर पड़ता है और कल देख के लोकम वेलफेयर सोसाइटी ने ऐसे ही किया, प्रेस ब्रीफिंग दिया है, उन लोग हमारा सोसाइटी के बारे में कुछ बोला है। हम लोग को 14 में उन लोग विक्टिम की तरफ से जिसे एना से रिपोर्ट दिया, उन लोग 12 में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया वोमेन पुलिस स्टेशन में। तो हम लोग 14 का उस लेटर मिलने का साथ ही साथ नेक्स्ट डे में 15 जुलाई 2022 उसमें हम लोग योगी सब कलन का एक कमेटी गठन किया है। उस कमेटी में किसी को लड़ने के लिए, किसी को जगड़ने के लिए या किसी का पक्ष रखने के लिए हम लोग उसको कमेटी गठन नहीं किया है। उसमें हमारा व्यक्ति तरफ को भी जांच करना है या सही हुआ है कि नहीं, गलत हुआ है, उसको ये कमेटी इसे गठन किया है कि सर्वे करना है सही है कि गलत है। और 15 में हम लोग कमेटी गठन होने के बाद 16 से लोकम वेलफेयर कमेटी से लेटर मिला है, ये डिस्कशन के लिए, लोकल डिस्कशन के लिए, तो उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो हमारा सोसाइटी कमेटी गठन होने का बाद उन लोग का सर्वे रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या आता है, तो उसको उन लोग पार्शियली हम लोग का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुके हैं। तो उसमें ट्वेंटी जुलाई 2020 कल उसको हम लोग ने रिप्लाई दिया है। उन लोग जैसे चाहता है, लोकम वेलफेयर कमेटी सोसाइटी जो है चाहता है, प्रपोजल डाला है कि हम लोग उसको लोकल में सॉल्यूशन किया जाए, डिस्कस किया जाए। उसको हम लोग केस का बारे में तो रिकन्सिडरेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको ऐसे ही चलने दो, उन लोग का भी कहना तो वही था, लेकिन उसका जो प्रपोजल था उस प्रपोजल को हम लोग नहीं नकारा है। हम लोग उस लेटर में ये लिखा है कि योर प्रपोजल में भी प्रोसीड, आपका प्रपोजल को भी रखिए आप लोग की तरफ से, हम लोग ऐसे बोला है। तो इसलिए उन लोग ये बोला है, कल बोला है कि कोई सोसाइटी जो है किसी को लड़ने झगड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए, इसलिए हम लोग को लड़ने के लिए नहीं है। आज उसी कमेटी के हिसाब से और हमारा क्योगी वेलफेयर सोसाइटी का सब कमेटी जितना भी है आज यहाँ मौजूद है, और अब तक हम लोग कितना रिपोर्ट आया और आगे क्या एक्शन होना है और उसमें क्या मांग है, और हमारा प्रेसिडेंट साहब क्योगी वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट साहब आप लोग का सामने में उसका विचार रखेंगे। ये कल जो लोकम वेलफेयर सोसाइटी जो अपना विचार रखा या टिप्पणी किया या स्पष्ट किया, तो उसके विषय में मैं आप लोग को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये हादसा कहाँ से शुरू हुआ, तो विक्टिम का हिसाब से जो हम लोग को बताया है, तो लगभग आपका फर्स्ट मई से वो फर्स्ट टाइम उसका पति का साथ लोकम तसर जी का जो विधायक है, जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसका घर गया। तो उसका घर जाने के बाद क्या होता है, लोकम तसर जो है उसको थोड़ा गौर से स्टेयर करता है। तो मेरा चाचा जो बोलता है कि अरे साहब आप क्या कर रहे हैं ना, तो काम का सिलसिला में आता है। तो उस समय क्या होता है कि बोला है कि आपको हम एग्रीकल्चर में कुछ काम दिलाएगा, तो वो तो उसका विधायक है और मेरा चाचा जो उसका ग्राम मेंबर है बीजेपी का, तो ऐसे होके क्या होता है, तो बोलता है कि आपका नंबर दो, तो जब काम होगा हम आपको कॉल करेगा, नहीं तो आपका आप इधर उधर हो सकता है, नॉट रीचेबल होगा, तो आपका बीवी का फ़ोन नंबर को दो बोलता है। तो फ़ोन नंबर ले लेता है। तो हम भी इस मामले में थोड़ा प्रकाश देना चाहते हैं, मन थोड़ा फोकस मतलब पब्लिक को जानने देना चाहता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो फ़ोन नंबर लेता है
तो दो दिन का बाद लोकम तसर जी का गिचक यहाँ पे फोन आता है, तो अननोन कॉल आता है तो पूछता है कि आप कौन है, तो बोला लोकम तसर। तो इसके जरिए मैं थोड़ा इसको डिटेल नहीं बोलेगा, डिटेल तो ऑलरेडी आप लोग सुन भी चुका है, वायरल हुआ है। तो ऐसे करके तब वो दो महीना में वो लोग वो दोनों में तसर और यना में क्या कन्वर्सेशन हुआ वो हम लोग को अभी तक आइडिया नहीं है। जैसे कि हम ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं बोलने से, कल किसी ने उनका रिकॉर्डिंग वायरल किया, तो इसीलिए ये चीज़ मैं बोलना बहुत ज़रूरी सोचता हूँ। तो उसका बाद फिर ये रेप और रेप नहीं है बोलते हैं, तो हमारा लोकम वेलफेयर सोसाइटी जो बोलता है कि उन लोग का नज़र से या जो भी व्यूअर्स है वो बोलता है कि ये कंसेंसस सेक्स है, और कोई लोग बोलता है कि ये पहले से इसका एपीआर है, ये एक ही बार नहीं हुआ है बोल के, जो माने वायरल मैसेज का हिसाब से जो अभी आदमी लोग ट्रोलिंग कर रहा है सोशल मीडिया में, उसको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। तो इसमें ये आता है कि आपका दो महीना में जितना कन्वर्सेशन है वो डिटेल रिकॉर्ड तो पुलिस का पास होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग एप्लीकेशन लिखा है, एसपी को हम लोग लिखा है कि मई महीना से 12 तारीख तक का आप सीडीआर निकालना पड़ेगा, जो विधायक जी ने वो जो भी मोबाइल पकड़ा है, चाहे वो वोडाफोन हो, बीएसएनएल हो, जियो हो, जो भी है, तो आप अगर सच्चाई को लाना है बोलेगा तो आप मई महीना से लेके आज का 12 तारीख तक का पूरा सीडीआर निकालना पड़ेगा। हम आज भी बोलता है कि तसर रेप है, रेप किया है और ये ना रेप किया है, वो हम नहीं बोल रहे, हम लोकम सोसाइटी से निवेदन करना चाहता है कि आप भी आगे आए और आप किसी का पक्ष में ना रहे। आज भी हम यना का पक्ष में नहीं है, हाँ हम न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं कि ऑलरेडी वो एफआईआर वहाँ पे लॉज हुआ है, तो वो एफआईआर का लॉज होने का बेसिस में सच्चाई क्या है वो चीज़ जो है निकल के आना है, उसका बात तो सब जनता को मालूम होना है। तो ऐसे करके हम लोग ने ये सीडीआर को भी एसपी को लिखा है कि इसको निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कि उन लोग जो बोला है कि ये कंसेंसस सेक्स नहीं है, रेप है बोलते हैं, इस बारे में तो मैं हम तो कोई न्यायाधीश नहीं है कि किसी को न्याय दे देगा, लेकिन हम किसी का पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं, हम सच्चाई को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है बोलेगा, तो जब ये हादसा होता है 4 तारीख को, तो 4 तारीख का फुटेज भी होना चाहिए पुलिस प्रशासन का साथ। 4 तारीख को वो जो जैसे कि विक्टिम जो बोला कि 4 तारीख में उसका रेप हुआ, तो अगर रेप हुआ है तो उसका तो उसमें एक थोड़ा सा क्ल्यू ये बताता है कि 4 तारीख को उसका, चलो रेप भी बोलो या कंसेंसस सेक्स बोलो, ओ दैट हैज ओकर टेकन प्लेस, तो उसका उसी 4 तारीख को फिर उसी को बुंटी मारता है, फिर उसको उसका बाइती लोग भी मारता है, फिर फोन भी आता है कि उसमें रंडी घुसा है बोलता है। तो इसमें आप लोग थोड़ा जोर दे के सोच के देखिए मेरा कहने का हिसाब से, क्योंकि अगर वो कंसेंसस सेक्स था तो तसर साहब ने यना को बुलाया, दोनों में सेक्स हुआ, चलो हम लोग भी मानते हैं, अगर वो कंसेंसस सेक्स था तो फिर कैसे उसको मारा, फिर कैसे उसको घर में भगाया, ये बात तो रहता है ना, हर कोई सोचने वाला तो ये चीज़ को सोचना पड़ेगा। जब वो इंसिडेंट होता है उसी समय में यना जो अपना बहन को लेके आता है, अगर कंसेंसस सेक्स होता है बोलेगा तो फिर ये बच्चा को लेके आने का जगह भी नहीं होता है, मतलब ये हम आप लोग को विचार रख रहा है
विषय रख रहा है, आप लोग भी इसका बारे में थोड़ा सोच के देखिए। तो उसका बाद फिर इसमें ये बात आता है, फिर बोलता है कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बोलता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बोलने से हमको तो नहीं लगता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। मान लो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बोलना चाहूँगा, जैसे कि अगर मुख्यमंत्री पेमा खांडू हमको बुलाएगा, अरे गाय जी आप आ जाओ, आपको हम ये करेगा वो करेगा, तो हर कोई तो उसका पास जाएगा क्योंकि वो तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आई जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ हिम। तो उसी तरह एक अगर अपना बस्ती का विधायक जो है कि आपको बुलाता है घर में, बुलाता है या बोलता है कि कुछ जानसा देता है कि आपको हम ये देगा वो देगा, जैसे कि उन लोगों ने मीडिया में भी बोला है, वो वायरल भी चल रहा है कि 50,000 का लड़की आने का लाने का, तो इसको तो पूरा डिटेल बोलना पड़ेगा ना, तो पब्लिक को भी मालूम होना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। तो इसीलिए ये बात मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके आईफोन, तो उसमें क्या होता है कि ये एमएलए जो विधायक जो है अपना वर्कर का बीवी को एक जानसा देता है कि आप वो क्या बोलते हैं ऐसे नॉन ट्राइबल हमको एक ऐसे चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी मीडिया में वायरल है, तो ऐसे बोलता है। तो कोई भी आदमी अगर आपको जानसा देगा जो जिंदगी में कोई 50,000 ना देगा हो या लाख रुपया ना देगा, तो मैंने तो हम क्या सोचते हैं, तो हम नहीं आप लोग भी सोचेगा ये तो आपका वो ह्यूमन फिनोमिना है, टेंडेंसी है। तो उन्होंने मैंने क्या किया ना, अगर ट्रैफिकिंग का बात बोलेगा बोलने से, तो ट्रैफिकिंग के लिए हु इज इंसिस्टिंग टू ट्रैफिकिंग, देन दिस कम अप, तो ये लाइन तो आ जाता है। तो आप लोग तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो आप लोग को समझ रहा होगा कि उसको लालच के लिए जानसा खोन दिया, ये बात तो बनता है ना। तो इसीलिए हम ये बोलता है कि देखा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो इसमें ये बात भी आता है कि ये सप्ताह में हम लोग देखा है कि केस जो है बहुत हाई प्रोफाइल में जा रहा है बोलता है। ये हम लोग का एक मतलब जो भी है, हम वो लोग ओनर करता है लोकम वेलफेयर सोसाइटी का स्टेटमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कि हम उल्टा दिखाई देता है कि जो माननीय विधायक लोकम तसर जी है वो बीजेपी की तरफ से है, उसका सरकार चल रहा है। हमारा तो कोई सरकार नहीं है ना, हमारा कोई विधायक नहीं है, तो उसमें हमारा क्या हाई प्रोफाइल हो सकता है। हाँ मैं एक नाम पक्का जरूर लेगा, ये गृह मंत्री जो है वो हम लोग का फैमिली का है। तो हम लोग उल्टा अभी होम मिनिस्टर को हम लोग रिजाइग्नेशन मांगने जा रहे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहा है बोल के, क्योंकि हम लोग ने अभी पुलिस प्रशासन को देखा है कि वो लोग अभी तक हम लोग एक गया है उस स्टेटस पूछा है क्या क्या है, मतलब सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसा करके तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये दिखाई देता है कि माननीय विधायक जी खुद स्टेशन पे नहीं है, तो पुलिस से भाग रहा है, तो ये तो सीधा सा बात है, कुछ तो हुआ है। तो आप लोग को भी जानना चाहिए ये चीज़। तो हम लोग थाना पुलिस प्रशासन को ये पूछता है कि आपका केस कहाँ तक है और सच का रेप हुआ है ना नहीं हुआ है, तो वो पूछने के लिए अगर उसको उसको ट्रेस करेगा पकड़ेगा उसको डिटेन में रखेगा तब तो सच निकलेगा ना कोर्ट में, और हम लोग तो न्याय नहीं दे सकते। अभी तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अनटिल एंड अनलेस हम लोग जो ये मई महीना से लेके ये जुलाई 12 तारीख का सीडियर सबका सामने नहीं रखेगा, तो अभी तक तो हम ये नहीं बोल सकते ये तसर गलत है ये ना सही है, ये हम नहीं बोलेंगे। लेकिन वंस एफ आई आर इज लॉस्ट इन योर पुलिस स्टेशन, दिस इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ पुलिस, कल्प्रित हो या जो भी हो उसको आप पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के नो डिटेन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू गो फॉर ट्रायल।
तब उसका बात तो जस्टिफाई आएगा ना। तो इसीलिए इसीलिए सरकार आपका है, तो हम लोग ने देखा है कि हम लोग में कोई ऐसे हाई प्रोफाइल वाला बात नहीं है। हम लोग उल्टा अभी गवर्नमेंट को अभी हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है एसपी को, का एसपी आईसीआर, तो उसको हम लोग मैंने अल्टीमेटम दिया है कि केस का बारे में इमीडिएटली जांच करो, तो अगर जांच नहीं करता है बोलेगा तो देन वी विल गो फॉर डेमोक्रेसी, तो फर्दर क्या स्टेप उठाएगा वो हम लोग का अंदर में डिस्कस होगा। तो इसीलिए पहले मैंने एक चीज़ बोला कि हम लोग का एक बड़ा भाई है, वो गृह मंत्री है, वो भी इसका अंदर रहता है, तो लेकिन उस तक तो अभी वो लेवल तक तो अभी नहीं पहुंचा है, हम लोग अभी एसपी लेवल में कर रहा है, उसका बाद फिर गृह मंत्री तक जाएगा, फिर आपका पेमा खांडू तक जाएगा, कि अब आपको सच्चाई को निकालना पड़ेगा ना। सच्चाई क्या है वो तो पब्लिक को बताना पड़ेगा। आदमी लोग बोलते हैं आपका बैनर में वेलफेयर है, बोलते हैं हाँ, क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी, जैसे कि हम लोग वेलफेयर है, हम लोग हमेशा आदमी का वेलबींग के लिए सोचता है, भाई भैया हो या जैसे कि दिस इज माय सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जैसे कि लोकम लोग ने हम लोग को लेटर लिखा तो उसको हम लोग रेस्पॉन्स किया, तो उन लोग का फैमिली अच्छाई के लिए और हम लोग का फैमिली अच्छाई के लिए, तो हम लोग तो वर्कआउट करना पड़ेगा ना। तो हम ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है, ये कंसेंसन सेक्स है, ये रेप है, ये वो है, ये ना सही है, ये तसर गलत है, वो हम नहीं बोलेंगे। तो जैसे कि एफआईआर जो है वो गिचक है ना 12 तारीख को लॉन्च किया, तो उन्होंने हम लोग को रिटन कंप्लेंट में दिया 14 को, तो हम लोग 15 में कमिटी कंस्टिट्यूट किया, उसका बाद हम लोग इसको रिसर्च कर रहे हैं, उसका बाद हम लोग पुलिस को ये जोर दे रहे हैं कि सच को ट्रेस आउट करो, फाइंडिंग करो। ये लोकम सोसाइटी का जो लेटर लिखा था उसको हम लोग थोड़ा सा मैंने लेट रेस्पॉन्स इसीलिए किया कि हम लोग का सोसाइटी में हम लोग को एक दुख इसीलिए लगा कि मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ 12 तारीख को विक्टिम जो एफआईआर लॉन्च किया, तो आपका सेम 13 तारीख में वायरल होता है कि माननीय विधायक जी का जो भी रिलेटिव है किचन कैन है, वो लोग ने बोला कि ये खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, ऐसे लोग है कि हम लोग को इल्ज़ाम लगा के इससे मतलब नो वसूली करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। तो ये चीज़ जो है हम लोग को बहुत दुख लगा कि अगर ये सेक्स हुआ, रेप हुआ, तो रेप होने का बाद भी आप ऐसे एलिगेशन लिखता है, उसका बाद ये आपका कॉपी मेरा पास है, 3 कॉपी है, आप ज़रूरी होने से अभी आपको सबको दे देगा, और वो लोग का नंबर भी है, और उसका आपका एमएलए का पीआरओ भी लिखता है, उसका ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ये लोग ऐसे ब्लैकमेल करता है, तो ऐसे करके लिखा है। तो हम लोग चाहता है कि चलो कंसेंसस सेक्स हुआ या रेप हुआ जो भी है, चलो वो भी हम लोग देख लेगा, लेकिन हम लोग चाहता है कि हम लोग कैसे करके हाउ कम वी बिकम ए ब्लैकमेलर, उन व्हाट सेंस आप लोग ने ये लिखा। तो ये भी आप लोग मीडिया का सामने आके जैसे आज मैं डिटेल दे रहा है, उसी के तरफ वो लोग भी आके कि आपने ये चीज़ को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से आपने हम लोग को ब्लैकमेल बना दिया। तो विक्टिम तो अपना जो प्रॉब्लम है वो एफआईआर कर दिया, तो एफआईआर को रेस्पॉन्स करते हुए उल्टा हम लोग को ब्लैकमेल बना के रख दिया। तो ये हम लोग का एक सबसे बड़ा दुखी वाला, और कल को भी ये ब्लैकमेल कैसे हम लोग है बोल के वो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और मैं आखिरी में जो भी व्यूअर्स है और अभी देख रहा है, जो फॉलो कर रहा है, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप बिना सच्चाई जानते हुए किसी का बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है कि ये सही है ये गलत है। हमने भी देखा है कोई कोई सोशल मीडिया में कोई लोग अपना नाम कमाने के लिए बड़ा बड़ा बात करता है, बोलता है कि ये लड़की ऐसे है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। अरे आप लोग कौन सा न्यायालय खोल के रखा है? हाँ, अरे अगर आपका पास न्यायालय है तो आप उन लोग को बुलाओ, उसका बाद फैसला सुना दो कौन सही है कौन गलत है। अभी हम जो बोल रहे हैं आप लोग सुन रहा होगा,
और जिसने भी इसका बारे टिप्पणी किया है वो आप लोग को मैं बोलता हूँ, नाम नहीं लेगा, और आप लोग कुछ समझिए कि सही कौन है और क्या है। और किसी का गिरेवन पे हाथ डालने से पहले कि उसका खत को जानना पड़ेगा। और औरत लोग से मैं ये बोलेगा कि आप किसी का दामन को किच्चर उछालने से पहले अपना दामन को तो झाँक के देखिए, आप भी कौन है। तो इसीलिए ये देखिए, ये पहला केस नहीं होगा, और कल ब्लैक एंड वाइट को तो आप लोग सबको मालूम होगा, आज तो कोई छुपने वाला चीज़ है ही नहीं। तो इसीलिए इस मसला में मैं दर्शकों को और जो भी है अपना अकाउंट पे सोशल मीडिया चलाता है उन लोग से मैं निवेदन भी करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि ऐसे वैसे बात आप लोग फ्यूचर में ना बोले तो अच्छा है। और संवेदन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, लिटिल बिट वी हैव आइडिया ऑल्सो एंड हाउ वी कैन गो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव। तो इसीलिए आप जितना जानता होगा अपना जानने वाला को अपना में ही सीमित के रखिए। अगर आप कानून के लिए लड़ाई लड़ता है तो आगे आइए, या किसी का पक्ष में लड़ता है तो उसका पक्ष में उसका हित में लड़ने के लिए आगे आइए। और बेकार का ऐसे आदमी का ओ बेजा खाने का ऐसे कोई भी जगह पे आप लोग टिप्पणी नहीं करने से अच्छा है।